गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? यस आपकी शिकायत सर आंखों पर, बहुत से लोगों ने शिकायत की कि रेशमा सुबह 7 बजे वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो। तो हाँ, थोड़ा सा टाइम टेबल डिस्टर्ब हो गया है। इंशाल्लाह आई बी बैक विद द 7 o'clock वाला टाइम। तो पास्ता उबाल लिया है मैंने आज। यस, बच्चे घर पर हैं तो थोड़ा बहुत तो उनकी मर्ज़ी से भी हमें चलना पड़ता है। तो आज मैं आपको ये इंटरनेशनल और एकदम देसी वाली डिश बनाने वाली हूँ। हाँ, कभी भी आप बटर यूज़ करते हैं कुकिंग में तो थोड़ा सा आप ऑयल डाल दीजिए, नो मैटर एनी ऑयल, कोई सा भी ऑयल जो घर में अवेलेबल है, क्योंकि थोड़ा सा उसका जो स्मोकिंग टेम्परेचर है वो नीचे आ जाता है ऑयल होने की वजह से, वरना बटर बहुत जलता है तेज़। कभी देखिए आप बटर वाला पराठा बनाएंगे पूरा घर धुआं धुआं हो जाता है। तो 3 कलियां मैंने लहसुन की ली है और प्याज हाफ ली है, इसे काट के मैंने इसे कलियों को उसकी खोल दिया है। जो वेजिटेबल हो आपके पास, शिमला मिर्च है ओनली, अपनी हरी वाली शिमला मिर्च वो डाल दीजिए। ये सब मेरे घर में ऑब्वियसली थोड़ा कुकिंग वुकिंग के चक्कर में रहता ही है, तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, और है तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, ये फ़न फूड का ना पास्ता सॉस बहुत गज़ब का है, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है ये। तो ये 800 ग्राम्स का सिर्फ 165 रुपीस का है, जो कि डी मार्ट में 70-80 रुपए डिस्काउंट पे मिलता है, और ये छोटा वाला 85 रुपीस का है और उस पर शायद 30 रुपए का डिस्काउंट है। तो ये वाला बेटर है, कभी ऐसा जाना हो इंस्टेंट पास्ता के लिए ये अच्छा है। कभी फ्रेश टमाटो होता है, कभी नहीं होता है, और अभी आजकल ज़रा टेंशन चल रही है तो थोड़ा ऐसा कम्फर्ट फूड हो तो बच्चे भी ज़रा शांत रहते हैं, क्योंकि अभी बिल्डिंग के नीचे तो उन्हें छोड़ना नहीं है खेलने के लिए। तो ये चम्मच मैंने ज़मीन पर रख दिया, तो आई चेंज दिस स्पून। और ये जो है इसमें मैं मेयो डालने वाली हूँ थोड़ी सी, तो ये फ़न फूड की, डॉक्टर ओटकर की है ये, वही फ़न फूड, तो इसी में अच्छी आती है। और थोड़ा सा केचप भी डाल दूँगी। तो ये 1 kg का लिया हुआ है, हमेशा ही रहता है, अगर आपने मेरी और वीडियो देखी होगी। ये थोड़ा सा मुझे सॉस गाढ़ा लगने लगता है तो मैं इसके अंदर है ना अपना पास्ता का जो पानी है वो डाल देती हूँ, तो थोड़ा लिक्विड ही हो जाता है और सॉस जितना होता है। मुझे तो पास्ता बहुत अच्छा लगता है इसके साथ टोस्ट वाले ब्रेड खाने के लिए, ओ जैसे आपको पिज़्ज़ा हट में मिलता है। ये फलक ने कद्दूकस करके दिया है मुझे चीज़ के, मम्मा पुट लॉट ऑफ चीज़। तो भाई चीज़ वो पीछे खड़ी है मेरे, बन रहा है। तो ये पास्ता हमारा तैयार हो गया है, और यस डेटा डाल रही हूँ बर्बर की चीज़। तो कभी कभी छुट्टी है तो बच्चे ऐसा नखरा करते हैं कि मम्मा ये ही बनाओ। मेरे पास फ्रेश बेजल पासले ये सब कुछ है, सुपरमार्केट में ये 20 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये ऐसे ग्राम्स पे मिल जाता है। और ये रोजमेरी भी है, इन सब के प्लांट आपको नर्सरी में मिल जाएंगे 300-250 इसी प्राइस में मिल जाते हैं। अगर सुपरमार्केट नहीं है नज़दीक में तो आप ऐसा कोई भी प्लांट खरीद के घर में रखिए, आराम से अपने घर में उग जाता है ये इटालियन हर्ब्स भी। तो मैंने थोड़ा सा ऊपर से भी डाल दिया, फ्रेश हर्ब्स का अलग ही टेस्ट आता है। यस ऑफकोर्स डब्बे में पैक हमें सूखी हुई भी मिलती है, लेकिन फ्रेश वाले का तो आप समझ सकते हैं कि पुदीने कोतमीर का पाउडर डालूं या फ्रेश डालूं तो। अब विदेशी डिश बन गई है तो अब देसी डिश बनाने का टाइम आया है। तो मैंने लिया है चावल का आटा, बस 1 कप ले रही हूँ। शुरुआत में कोई भी चीज़ छोटी सी बना के ट्राई कीजिए, अगर आप मेरी तरह पहली बार बना रहे हैं। तो मैं आज पहली बार भाकरी बना रही हूँ, चावल की रोटी, हमारे महाराष्ट्र की बहुत फेमस है भाई। और अगर आपके यहाँ की भी कोई फेमस डिश है तो ज़रूर बताइएगा, बचपन में बहुत खाई है। तो स्वाद अनुसार इसमें नमक डाला है, 1 teaspoon मैंने इसमें ऑयल डाला है, और आप चाहे तो स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी का अगर कोई स्पून हो तो उसके पीछे के हिस्से से इस्तेमाल कर लीजिएगा। और इसमें डाल दिया है उबलने के बाद मैंने चावल का आटा, तो सेम प्रोपोर्शन लिया है, जितना पानी उतना आटा, और इसे 1 मिनट ही सिर्फ मिक्स करना है और ये फटाक से मिक्स हो जाता है। अब इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। यस, गर्मा गर्म में इसे मिक्स करना है, उबाल आने के पहले बिल्कुल भी आटा मत डालिएगा। अब इसे मैं प्लेट पर निकाल लिया है, ये आसानी से निकल जाता है। अगर ज़रा ज़री रह गया इसमें तो आप पानी डालेंगे, क्योंकि हमें इसमें 2 teaspoon जितना पानी हमें और लगेगा इसमें, तो ये इकट्ठा हो जाता है आराम से। आपने कभी मोदक बनाए हैं वो भी इसी तरह से बनता है, लेकिन आज मैं मोदक नहीं बना रही हूँ, मैं भाकरी बना रही हूँ, चावल की रोटी।
5 मिनट में ये बहुत अच्छे से गूंद गया। ये बहुत सॉफ्ट और रबरी मैं कहूँगी कि वैसा बना है। देखिए बहुत आराम से, जब मुझे लगा कि हाँ ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, बाइंड हो गया, तब मैंने इसकी इस तरह से लोई बनाई, जिसे मैं जी हाथ से नहीं बनाने वाली हूँ। मैं इसे अपने रोटी जैसे बनाते हैं हम लोग गेहूँ की, उस तरह से बनाने वाली हूँ। थोड़ा सा सूखा आटा लगाया मैंने इस पर और इसे आराम से मैंने बेल लिया। इसी तरह से जो तवा है, तवा आपको तेज़ आंच पर गरम करना है। जब तवा एकदम तेज़ आंच पे गरम हो जाए फिर इसे रोटी को डालना है। हल्के गरम तवे पे बिल्कुल मत डालिएगा रोटी, वरना ये चिपक जाएगी। और वैसे सबसे बेस्ट है कि आप नॉन स्टिक पे इसे बनाओ। आराम से बेल ली मैंने, कोई टेंशन नहीं हुआ। बेल पहली बार बना रहे हैं तो भी डरना नहीं, और हल्का सा इसके ऊपर पानी लगा दीजिएगा क्योंकि ऊपर की परत सूख जाती है, जैसे हम लोग जवारी की रोटी बनाते हैं, बस वैसे ही माशाल्लाह से इसके ऊपर बबल्स आने लग गए। और ये देखिए खूबसूरत सी रोटी। आई वॉज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग कि मेरी रोटी अच्छी बनेगी। मुझे बहुत बचपन की याद आ गई, बचपन में बहुत ये रोटी खाई है मैंने तीखी वाली चटनी के साथ। मैं आपको तीखी वाली चटनी भी बताऊँगी। अब पहली वाली तो छोटी बेली मैंने, दूसरी वाली फुल ऑन कॉन्फिडेंस, तो मैंने कहा भाई अब तो बड़ी वाली बेल ही डालती हूँ। तो एक कप जो आटा है ना उसमें बहुत ज़्यादा रोटियाँ तो नहीं बनेगी। हाँ अगर आपको आदत है बनाने की तो आप पतली बना सकते हैं, लेकिन मेरी 3 ही रोटियाँ बनी। और मुझे याद आ गया कि तामिताई ना ऐसे रोटी बनाया करती थी, वो तो काफ़ी बड़ी ऐसे बना लेती थी, लेकिन मैं नहीं बना पाऊँगी। तो मैंने इसे सिंपल, और दूसरी रोटी जो है मैंने काफ़ी बड़ी वाली बेली और उसे पतली भी बेली मैंने माशाल्लाह से, और बस ये रोटी तैयार हो गई। हाँ मैंने दूसरी बार हाथ से नहीं लगाया, भाई गर्म हो गया है ना तवा तो कहीं जल ना जाए। ऑलरेडी मेरे पैर में बहुत छाला आया है तेल का, ऐसे टिपका टिपका बहुत सारा, तो मैं रिस्क नहीं ले रही थी। फिर मैंने दूसरी और तीसरी रोटी बहुत अच्छी बना ली। ये मैं चटनी के लिए बना रही हूँ। हल्का सा मैंने तेल डाला है, 1/2 टीस्पून से भी कम, और मैंने इसमें डाले हैं लहसुन। तो अगर आपके पास छिलके वाला लहसुन होगा तो वो डाल दीजिएगा, मेरे पास छिलके वाला नहीं, मेरे पास छिला हुआ ही था। तो मैंने इसमें लिया है 50 ग्राम जितना कोकोनट, और 8 से 10 मैंने लाल सूखी मिर्चें ली हैं, और लहसुन लिया है। आप छिलके वाला डालिएगा और अच्छा फ्लेवर आता है, फ़ाइबर भी उसमें अच्छा होता है, गुड फॉर हेल्थ फाइबर। तो बस इसे मैंने पीस लिया है, हल्की सी नमक इसमें डाली है। तो 2-4 निवाले खा लिए गए हैं, फिर उसके बाद रिव्यू हो रहा है। ले लीजिए ले लीजिए, ये तो मैंने बेलन से तोड़ा है। कैसा लग रहा है फलक जी, कुछ बोल भी दिया कीजिए, बताइए कैसी लगी आपको चटनी, कैसी है? स्पाइसी है ना, गरीब लोग का खाना है भाई। कहते हैं YouTube वर्सेस रियलिटी है जी, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है? खाऊंगी, मैं गरीब आदमी की बेटी हूँ, मस्त है मस्त, गजब। और के साथ थोड़ी प्याज भी अच्छी लगती है। तो फलक जी की प्लेट, ये मेरी प्लेट। I wanna get to your clothes, gotta get it right now. I wanna push all the limits with you right now. So watch your feelings, the city's screaming, we're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. People talk and tell what you wanna hear now.